सो वेलकम बैक एवरीवन टू द न्यू वीडियो, और जिसमें कि आज हम आगे के अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और आज हम और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक 14 क्वेश्चन आज हम पूरे कर रहे होंगे। तो आई थिंक अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं जो आप बहुत डिमांड कर रहे थे पहले। अब आप खुश होंगे, तो कम से कम एक लाइक कर दिया करो इन वीडियोज़ को, और बाकी देखो मतलब अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक कर दिया करो, लेकिन एक रिस्पॉन्स तो दिया करो। जस्ट इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें कि हमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है कुछ इस तरीके का। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फंक्शन है। अब इसमें जस्ट एक कैच है कि जो एक्स फैक्टोरियल होता है, जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा डिफाइन होता है सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है? वो कोई इंटीजर वगैरह के लिए, हर इंटीजर वगैरह के लिए मतलब डिफाइंड नहीं होता। तो अगर नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो अगर हम देखें तो जो एक्स फैक्टोरियल फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, ये नेचुरल नंबर के लिए हमेशा जीरो आ जाएगा। तो एक तरीके का ये कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है? और कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया तो मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है? तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जिसमें भी चेक करोगे, जैसे कि मैं तुम्हें एक बार ये थर्ड वाला चेक करवा देता हूँ कि ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है? और नेचुरल नंबर के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है वो हमेशा जीरो आता है। तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है तो वो फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ये जो पहला क्वेश्चन है वो होता है खत्म। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जिसमें कि हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें कुछ दे रखा है ये इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि कॉलम वन में C1 + C2 कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, टू। ये कितना हो जाएगा, टू। ये हो जाएगा वन, और ये कॉस स्क्वेयर एक्स, 1 + cos² x, cos² x, 4 sin 2x, 4 sin 2x, 1 + 4 sin 2x, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि R2 में से, या R2, हाँ ये करते हैं, R2 में से R2 - R1 कर देते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या आता है। तो वो आ जाएगा हमारा, शुरुआत में तो ये रहेगा 2 cos² x, 4 sin 2x। ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 cos² x, 1 + 4 sin 2x, ठीक है? अब इसको ओपन करके देख लेते हैं हम। तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 + 4 sin 2x। यहाँ पे cos² x में तो 0 sin होगा, 0 sin होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, 4 sin 2x इंटू हो जाएगा -1, ठीक है? तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 + 4 sin 2x। अब बच्चे बच्चे को ये पता है कि sin 2x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है -1, और जब वो -1 होगी तो ये ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगी -2, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो हो सकती है वो sin 2x की हो सकती है 1, और जब sin 2x की वैल्यू 1 होगी तो ये पूरा ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है 2 + 4, विच इज 6 हो जाएगी। और इसका अगर पीरियड हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो पीरियड ऑफ द फंक्शन विल बी पाई, ठीक है? विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमें इसमें कुछ दे रखा है x - 1 = अगर x माइनस gif को लिखना हो तो मैं इसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिख सकता हूँ, और x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट को ये लिख सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ = 1, ये कंडीशन एक ही टाइम पे पूरी हो सकती है जब तुम 1 से 2 करोगे, क्योंकि उसमें जो gif फंक्शन है वो हमेशा 1 हो जाएगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही आ जाएगा, और उसमें से 1 point something रहेगा, तो उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट माइनस होकर के 1 ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये सिर्फ 1 से 2 में ही है जो ये कंडीशन पूरी हो सकती है। इसके अलावा तुम कहीं भी इसको ट्राई करोगे तो ये कंडीशन पूरी होने ही नहीं वाली। तो 1 से 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इतना ही है इस क्वेश्चन में। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 की पावर cos x, और विच इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? तो अगर हमें मोड साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बनता है वो।
दो तीन, इधर ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है दो, ठीक है। और 2 की पावर कोसेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? कोसेक्स की वैल्यू कम से कम -1 हो सकती है, तो ये 1/2 से लेकर के रेंज करेगा। और 2 की पावर कोसेक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1, विच इज़ 2, तो ये रेंज इसकी रहने वाली है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से निकलेगा। तो एक चीज़ श्योर है कि जितने भी, एक जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना, जैसे इतना जस्ट स्ट्रक्चर है, तो उसमें से 2 बार पास हो रहा है, तो टोटल -2 पाई से लेकर के 5 तक ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 7। तो 7ों में ये 2 2 बार टच होगा, तो टोटल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें कुछ इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम इसको एक बार लिख के देख लेते हैं कि के इज इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक के लिए हमें निकालना है z1 + ω की पावर k z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे को z1 + ω की पावर k z2 की एक्सपेंशन देखनी हो, तो वो किस तरीके से होगी? z1 + ω की पावर k z2 + z1 z2 conjugate और ω की पावर k conjugate + z1 conjugate z2 ω की पावर k, ठीक है, यही रहने वाला है। अब इसके बाद अगर मेरे को समेशन करना हो n-1 तक 0 से लेकर के, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? n, तो n(z1)² आ जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर k का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये तो 1 ही रहने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड है क्योंकि। और ये भी n(z2) का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अगर z1 z2 हम अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 + ω कॉन्जुगेट स्क्वायर + so on, इस तरीके से जाएगा, प्लस z1 z2 1 + ω + ω² + so on, इस तरीके से जाएगा। ये और ये वैल्यू तो सबको पता ही, 0 रहने वाले, क्योंकि ओमेगा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ओमेगा 0 रह जाएगा, तो हमारा जो आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा z1 का स्क्वायर + z2 स्क्वायर, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें कुछ f(tan θ = sin²²θ) दे रखा है। तो हमें सबको पता है कि sin²θ जो है, अगर टेन के टर्म्स में लिखना हो तो वो tan²(tan θ)1 + tan²θ होता है। तो जो फंक्शन लिखा है, ये लिखा है f(tan θ) = 2 tan θ/(1 + tan²θ) का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है, बस टेन थीटा की जगह एक्स रख दो, तो ये जो है हमारा फंक्शन आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एफ एक्स पता है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन के टर्म्स में, तो आई होप इससे अब आप आंसर निकाल सकते हो 0 से 1 तक की। हमें इंटीग्रेशन बतानी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और हमें फंक्शन पता है 2x/(1 + x²)² का होल स्क्वायर। तो आई होप ये निकाल लोगे आप। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि हमें कुछ ये रखा है कर्व, और यहाँ पे ये कर्व है x³ + y³ + x²y + 7 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी तुम्हारी एक्स और वाई की, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। एक तो जब तुम y = -9x रखोगे, और जब x = -y/9 रखोगे, ठीक है। तो मान लो जो तुम्हारी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी x³ = मान लो तुम्हारी ci और y³ = di, ठीक है। तो यहाँ से तुम x/y की वैल्यू कुछ निकाल दोगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम यहाँ पे ये देखोगे, तो यहाँ पे अगर तुम्हें टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, तो तुम किस तरीके से निकालोगे? 3x² + 3y² dy/dx + 2xy + x² dy/dx = 0। तो यहाँ से जो तुम्हारे वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3x² - 2xy/3y² + x², ठीक है। अब यहाँ से तुम x y से सारी टर्म्स को जब तुम डिवाइड कर दोगे, तो सारा जो ये है x/y और y/x की फॉर्म में आ जाएगा। और जो यहाँ से तुमने वैल्यू फाइंड करी थी, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल देना, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में बस इतना ही है और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक 3 से 4 बार आ चुका है, इस सेम सेम सा क्वेश्चन ही, ठीक है, इस वाले पेपर में, 2018 के पेपर में, और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई थिंक मैंने 19th क्वेश्चन जो कि पार्ट 4 में अवेलेबल है 2018 के सोल्यूशन सीरीज में, उसमें जाके जब देखोगे 19th क्वेश्चन वो सेम ही है, वहाँ पे ये सारे एक्सप्रेशन निकाल रखी हैं, और बस तुम्हें उसमें वैल्यू पुट करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप जाकर के क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं और आपका ये चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि हमें एफ एक्स कुछ दे रखा है, 6x² + 7x - 5, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स वेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 18। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं कि f18 - f0/18 - 0, दिस इज इक्वेलेंट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स एट एक्स ए, ठीक है। तो वो हो जाएगा 12a + 7। अब यहाँ से जब तुम ए की वैल्यू फाइंड करोगे, इजिली फाइंड कर पाओगे, एफ की एफ 18 निकालना है, एफ 0 निकालना है, और उनको माइनस करके 18 से डिवाइड कर देना है, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी आई थिंक 9 आएगी, और जब 9 यहाँ पे तुम इस वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 900, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन को मान लेते हैं एक्स बाय वाई, एक्स बाय ए और वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें कुछ पूछा है कि ओ पी इंटू ओ क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि एक्स बी प्लस वाई ए इज इक्वल टू 1, और जो एक्स की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो 3 भी इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 48 a इज इक्वल टू 1। अब इतना तो श्योर है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ए बी की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो तभी हो सकती है जब ए और बी, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। इट मीन्स कि जो 3/a है और 48/b है उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 116, और यहाँ से तुम्हारा 16a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और वहाँ से हमारा जो, जैसे कि अगर मान लें वहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 96 और 6, जो 96 होने वाला है वो रहने वाला है बी, और ए की वैल्यू रहने वाली है ये। जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे 96 को 6 से, वही तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि हमें एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, हम क्या करते हैं कि इसमें लॉग ले लेते हैं, कि लॉग एक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स लॉग वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स लॉग जेड इज इक्वल टू, मान लेते हैं के है, ठीक है। और एक्स वाई जेड हमें क्या दे रखे हैं कि ये जीपी में है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, और अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग एक्स लॉग वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दें, तो ये हो जाएगा 2k/a इज इक्वल टू के बाय, ये लॉग वाई है तो यहाँ पे आएगा बी, तो k/a प्लस k/c। तो यहाँ से जो तुम्हारा, मतलब जब के को कट कर दोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। इसका मतलब ए बी सी जो हैं वो आपके एच पी में है, ठीक है, जो ए बी सी है वो एच पी में है। तो 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन ए पी, ये तो हमारा मतलब श्योर शॉट हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें कंडीशन क्या लगानी है, ए पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। और तुम क्या करना कि 1/a और 1/c को जस्ट लेना, क्योंकि तुम्हें जो कंडीशन लेनी है ए क्यूब और प्लस बी सी क्यूब में लेनी है। तो जब ए 1/a और 1/c की टर्म्स में लोगे और एक टर्म आएगी उसको क्यूब कर देना, तो वहां से तुम्हारा जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फिर भी अगर कुछ डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कंफर्म, मैं लगभग सभी बच्चों का रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट आए तो आस्क मी। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पे जिसमें कि हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी। तो हमें पता है कि जो एक्स होता है वो होता है जी आई एफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है,
तो अगर मेरे को इसको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा कि x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर पाऊंगा कि x प्लस ए माइनस ए माइनस बी, ठीक है। और बच्चे बच्चे को ये पता है कि इसका जो इस पूरे का जो पीरियड रहने वाला है वो रहने वाला है 1, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें ये एपी में रखे हैं तीनों टर्म्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2a² b³c^4 = ab² c³ + a³b^4 c^5, ठीक है। अब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर ए बी सी से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा ab² c³3। ए ये तो कट हो जाएगा, तो ये बचेगा bc² + a² b³3 c⁴, ठीक है। अब अगर हम इसे bc² से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2abc = 1 + यहाँ पे आ जाएगा a², यहाँ पे b² और यहाँ पे c², ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² b² c² - 2ab c + 1 - 1, नहीं यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है, सॉरी फॉर दिस कन्फ्यूजन। और इसके बाद ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है तुम्हारा ab c - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से जो ए बी सी की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। और हमें पता होगा am > gm होता है। तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो a + b + c/3 = ab c^1/3, तो ए बी सी की वैल्यू 1 है, तो a + b + c जो है > 3 आ जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।